लोगों ने इससे प्लेन खरीदे हैं, शिप खरीदे हैं, लोगों के 13-13 मंजिल मकान हो गए हैं, इतना बड़ा पहाड़ पे मकान है कि 100 किलोमीटर दूर से दिखता है। एक्चुअली कहानी मुझे कहाँ से पता चली मैं आपको बताती हूँ। मेरी दीदी यूएस रहती है, तब तो यूट्यूब तो होता नहीं था, तो इंटरनेट पे जाओ जाके देख लो, जैसा तो होता नहीं था। तो मेरी बहन यूएस से आ रही थी, कहने लगी क्या लाऊं तेरे लिए। मैंने कहा जी नेटवर्क मार्केटिंग की किताबें ले आओ। अब जो है किताबें तो लाई नहीं, वो न्यूज़पेपर उनके जो आता है उसमें नेटवर्क मार्केटिंग सप्लीमेंट आता है, वो लिया। वो 100 पन्नों का था, 150 पन्नों का। वैसे मैंने उठाया ना, अभी हमारा एजुकेशन टाइम 12 पन्नों का आता है, 16 पन्नों का आता है, तो अभी 16 पन्नों का आता है, वो 150 पेज का था, और उसमें हर पन्ने पर सफलता की कहानियां, सफलता की कहानियां, सफलता की कहानियां, सफलता की कहानियां। मैंने अपने दिल में लिखा, अगर मैं हनुमान होती तो मैं अपना दिल चीर के दिखाती कि मैंने दिल पर लिखा कि सुरेखा भार्गव हिंदुस्तान की 100 सबसे रईस औरतों में शामिल हुए बिना मरने नहीं वाली है। क्या चाहिए बड़ा बोलने के लिए, इतना बड़ा बोलने के लिए क्या चाहिए? दम, दम, हिम्मत, बस। कोई पैसे नहीं लगते, कुछ नहीं होता। थैंक यू। आपकी ना वीडियो खराब होगी इसलिए जरा पसीना पहुंच लू। वैसे मुझे आदत है, पूछो मुझे क्यों आदत है। क्यों? मैं बंबई गई थी ना काम करने, तो वहां पे लोकल ट्रेन में घूमा करती थी। मोदीगर करने गई थी, बच्चा मेरे साथ था 1.5 साल का, लोकल ट्रेन में चला करती थी। मेरे साथ होते थे 2 बैग, एक डेमो का बैग, एक निशान बार में उसकी बास्केट, उसकी पानी की बास्केट, 2 बैग और साथ में बच्चा। तो वो भीड़ वाले डब्बे में मैं घुस नहीं पाती थी, मैं घुसती भी नहीं थी। वहां पे एक डब्बा होता था, हर लोकल ट्रेन में मुंबई के होते मछलियों वालों का डब्बा, जिसमें वो मरी हुई मछली बड़ी बड़ी टोकरियों में लेकर के जाते हैं, इधर से उधर जाया जाती है। मैं वो मछली वाले डब्बे में बैठा करती थी, मैं प्योर वेजिटेरियन थी और मैं उस डब्बे में बैठा करती थी, क्योंकि जिसको 100 किलो के गुलाबों की खुशबू आ रही हो उसको मछली की खुशबू पता नहीं चलती थी। तो जिसको 1500 लोग पालकी में आते दिखाई दे रहे हो उसको पसीना पता नहीं चलता। It's so amazing, it's so good, friends. It's a great feeling. ये जो business है ना, thank you sir, thank you, thank you. हाँ जी दोस्तों, तो मैंने तब फैसला किया मोदी केयर करना है। हम गए, जाके किट लेकर के आए। अब मोदी केयर फ्री है, तब फ्री नहीं था। 1150 रुपए की ज्वाइनिंग थी, 8 ही आइटम थे। कोई व्हाट्सएप नहीं था, कोई मोबाइल नहीं था, कोई ऑनलाइन ज्वाइनिंग नहीं थी, कोई ऑनलाइन प्रोडक्ट का ऑर्डर नहीं था, कोई प्रोडक्ट डिलीवरी नहीं थी। और सिर्फ एक दिल्ली में हमारे घर से दूर 35 किलोमीटर दूर मोदी केयर का ऑफिस था बस। और सुरेखा भार्गव का बहुत सारा सपना था, बस नहीं कह सकते, वो बस ही नहीं था, वो अंतहीन था। आप में से कितनों के पास सपना है? Yes. है ना? Yes. ऐसे उसको बड़ा करो। Yes. और बड़ा करो। Yes. और बड़ा करो। Yes. तो रोक सकता है? No. सपनों की उड़ान भरने से तो हमको कोई नहीं रोक सकता ना। जितनी चाहे उड़ान भर सकते, बस वही मेरे पास बड़ा सा था, बाकी सब छोटा छोटा था। फिर गए, किट लेकर के आए, सासू माँ के नाम से ज्वाइनिंग करी। एक परिवार में 2 दुकान खुलती है क्या किसी चीज की? तो अपने नाम की ज्वाइनिंग तो मैं बोल भी नहीं सकती थी, सासू माँ घर से निकाल देती मुझे। तो चुपचाप सासू माँ के नाम से ज्वाइनिंग करी। मम्मी आपके नाम से बिजनेसमैन का इनकी आइडेंटिटी बन जाएगी तो घर में खुशियां तो वैसे ही आ जाएंगी। मम्मी के नाम से ज्वाइनिंग डाल के घर आ गए, आकर के प्रोडक्ट्स को टेबल पे बिछाया, 8 प्रोडक्ट से 26 डेमो किए। तब बियॉन्ड ब्लू नहीं था, टॉयलेट क्लीनर नहीं था, स्टेरी क्लीन और वंडर ड्रॉप मिलाकर के टॉयलेट साफ करी। डेजोल था, इसका निशान लगा के डेजोल से साफ किया, इसका निशान लगा के डेजोल से साफ किया। प्री वॉश था,
फर्श से कपड़े में 10 निशान लगा लगा के साफ किए, सिल्वर टिप था, अंदर से दिवाली के सारे सिक्के निकाले, उनको साफ कर करके देखा। हमने कहा प्रोडक्ट तो बढ़िया है दोस्तों, प्रोडक्ट क्योंकि हाथ में था ना तो वो बढ़िया दिख रहा था। अपॉर्चुनिटी तो दिखती तो है नहीं, हाथ में तो होती नहीं है, तो अपॉर्चुनिटी में हमने फोकस ही नहीं किया, हम प्रोडक्ट यूज करने लगे। एक काम हमने सबसे अच्छा किया, 100% यूजर बने। एक वादा अपने आप से किया, 5,000 रुपए का सामान हर महीने खरीदेंगे। बेचना नहीं आता हमको भैया, साफ बता देते हैं, मैं डॉक्टर, मेरे हस्बैंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे फादर इन लॉ जिंदल पुलिस में कंट्रोलर प्रोक्योरमेंट, मेरे ब्रदर इन लॉ MBA कर रहे थे, मैं मेरे बाप की बेटी, प्रोडक्ट सेल करने की मुझसे उम्मीद नहीं करना। और अपने आप से वादा किया 5,000 रुपए का सामान पर मंथ जिंदगी भर खरीदूंगी। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे को यह समझ में आया कि सुरेखा भार्गव 5,000 रुपए का चेक लेने के लिए भी 5,000 का सामान खरीदना है, 10,000 का चेक खरीद लेने के लिए भी 5,000 का सामान खरीदना है, 1,00,000 का चेक लेने के लिए भी 5,000 का सामान खरीदना है, 10,00,000 का चेक लेने के लिए, 50,00,000 का चेक लेने के लिए, 5,00,00,000 का चेक लेने के लिए, क्या जादू है? दिमाग क्यों चलाए? दिमाग क्यों चलाए? वो कह रहे जी 1,00,00,000 कमा सकते हो, पहला स्टेप है 100% यूजर बनो, तो बस हम क्या इसमें क्या बहस करनी, कर लेंगे। बेचना तो आता नहीं, सबसे पहले चाचा ससुर जी आए घर पे, उनको मोदी गिर का पढ़ पढ़ के चाचा ऐसा प्रोडक्ट है ऐसा समझाया, चाचा ने ऑर्डर दे दिया, 465 रुपए का ऑर्डर बना। अब चाचा ससुर से पैसा मांगे कौन? चाचा कहेंगे नहीं मिला हूं बिजनेस करने के लिए, मुझसे पैसा लोगे? होता है ना बाहर की दुनिया में, तो सगा चाचा है तो कौन 400 रुपए लेता है। हमने मनी मन सोचा, हमने तो लगाया 1,150 रुपए, उसमें से 465 तो भी डूब जाएगा, हमारी तो पूंजी खत्म हो जाएगी। हमने चाचा को बोला, चाचा ये आपका सामान, ये 465 रुपए हमारी गुड लक दे दो, इस बिजनेस को बड़ा करना है, आपका हाथ बड़ा शुभ है। चाचा को बोला, चाचा आपका हाथ शुभ है, तो चाचा ने 465 रुपए की जगह 501 रुपया निकाल के दिया। 501 रुपया मैं नाना करते मोदी गेट से अभी तक 50 करोड़ तो कमाई चुकी हूँ। काम क्या आया? वो फैसला कि जो भी करना पड़ेगा करेंगे। दोस्तों क्या हुआ? प्रोडक्ट तो हमारे मुंह होने लगे। कैसे? एक फोन किया, रिश्तेदारों में बात करी, कुछ ने लिया कुछ ने नहीं लिया, मैंने डायरेक्टली खींची, एक फोन मिलाया, क्या मैं मिसेस वर्मा से बात कर सकती हूँ? मेरे को फोन उठाना नहीं आता था, मेरे पियर में फोन नहीं था, मेरे ड्राइंग रूम में फोन बजता था, तो मैं भाग के मेरे कमरे में चली जाती थी ससुराल में, कि किसी ने पूछ लिया हाउ आर यू, तो मुझे बोलना नहीं आता था आई एम फाइन थैंक यू, मैं अपने कमरे में चली जाती थी। और यहाँ इन्होंने कहा कि भैया फोन पे भी बिजनेस होता है, फोन से बिजनेस कर सकते हो, तो जब आपको शुरू में फोन करने को कहते हैं ना, वो फोन ना 100 किलो का होता है, यस और नो? यस। बहुत भारी हो जाता है, तो मैंने किसी तरह उसको उठाया, बच्चे को सुलाया बुलाया, कपड़े वपड़े प्रेस किए, सब काम निपटाया, क्या मैं मिसेज वर्मा से बात कर सकती हूँ? वहां से जवाब मिला, मिसेज वर्मा को मरे तो 10 साल हो गए, आपको किससे बात करनी है? फिर मेरे को एक बात समझ में आई, ये करके देखो, आपको ना फील नहीं समझाएगा, ये ना किसी किताब में नहीं पढ़ा जा सकता बिजनेस, जैसे स्विमिंग को किताबों से नहीं पढ़ सकते ना, इस बिजनेस को भी किताबों से नहीं पढ़ सकते, करके ही पढ़ा जाता है। तो जब मैंने कॉल किया, वहां से जवाब मिला, तो मैंने कहा फोन पे कोई चांटा तो नहीं मार सकता सुरेखा भार्गव, चालू हो जाए, क्या फर्क पड़ता है, कोई कुछ भी बोलेगा कुछ भी बोलेगा, 135 करोड़ लोग हैं, क्या फर्क पड़ता है। मैंने लिया, दूसरा फोन किया, क्या मैं मिसेज शर्मा से बात कर सकती हूँ? हाँ जी बताइए। मिसेज शर्मा, हमें पता चला है आपके यहाँ बहुत चींटियां हैं। मुझे कैसे पता? मुझे तो नहीं पता, पर तीर भी तो वही चीज होती है, तुक्का भी तो वही चीज होती है, तुक्का मार दिया, चींटी तो सभी के घर होती है। कह लगी हाँ हाँ, बहुत सारी चींटियां हैं, लाल रंग की चींटी हैं, पानी के पेंडे में भी चली जाती हैं, किचन के ऊपर भी आ जाती हैं,
मैंने कहा हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो सीटी भगाता है, अगर आप बोलो तो कल डेमो करने आ जाऊं। मैंने उनको बुलाया नहीं अपने पास, वो बहाने बनाती। मैंने क्या बोला, डेमो करने आ जाओ, कहने लगी आ जाओ। मैंने मम्मी को बोला एक अपॉइंटमेंट मिला है। मैंने डायरेक्टरी में से एक घंटा लगा करके उनके घर के एड्रेस के आसपास के 10 नंबर निकाले। मेरा एक नियम है जो मैं आपको बताती हूँ, काम भले ही थोड़ा ज्यादा हो जाए कम नहीं पड़ना चाहिए। बस एक ही रूल है। जात लोग क्या करते हैं, कम से कम कैसे करना पड़े, कम से कम में कैसे काम हो जाए, बस वही इंडिया मात खा जाती है। मैंने क्या किया, काम ज्यादा हो जाए कम नहीं पड़ना चाहिए। एक एड्रेस पे हाँ मिला, अपॉइंटमेंट मिला, तो डायरेक्टरी में से पहले उठा करके 10 नंबर निकाले, सबको कॉल करके क्या बोला, हमें पता चला है आपके यहाँ चीटियां हैं, लाल रंग की चीटियां हैं, पानी के पेंडे में भी चली जाती है, किचन में किस लाइट। सीखा किससे था, मिस्टर शर्मा से। सिखा दिया किसको, सारे जहान को, कि आपके यहाँ चीटियां हैं, लाल रंग की चीटियां। लोग कहते थे हाँ जी बहुत चीटियां हैं, हमारे पास एक आइटम है। मैंने मम्मी ने और निशांत ने एक टैक्सी करी, हमने टैक्सी में रखे 10 स्टेरिक्लीन और डेमोकेट और चले गए। वहां जब पहुंचे तो पता चला जितने भी हमने अपॉइंटमेंट लिए वो चौथी मंजिल वाले लोग हैं, वो ध्यान नहीं दिया था 401 402 ऐसे वाले। और मम्मी की घोड़ा की कैप नहीं है, नी कैप नहीं है, मेरे साथ बच्चा छोटा और एक डेमोकेट। तीसरे मंजिल में जाकर के सांस ले लेते थे, सब ऐसे कपड़े वपड़े ठीक कर लेते थे, फिर ग्रेसफुली जाके बैल बजाते थे, टिंग टोंग। हाँ जी मिसेस शर्मा, कल आपसे अपॉइंटमेंट लिया था, वो चींटियां। हाँ जी प्लीज आइए। अपने किट में सब कुछ लेके गए, उनसे पानी की बोतल, पानी का गिलास, कुछ नहीं मांगा। वहां बिछाया, 5 मिनट नहीं लगे, उनको कहा ये 2 गिलास पकड़ो, गिलास उनको पकड़ाए, अब उस उनके पकड़े हुए गिलास में पानी डाला, फिर देखो जी ये डाला, फिर ये डाला, फिर चम्मच चलाई, चम्मच चलाई, उन्हीं के हाथ में गिलास है। हमने कहा देखो जी आपने तो कमाल कर दिया, कहने लगी ये तो बहुत अच्छा है, मैंने कभी डेमो में हाथ गीले नहीं किए, हमेशा किसी और से करवाए, खुद के हाथ गीले करके डेमो किया तो क्या डेमो किया। किसी और से हाथ गीले करवा के देखो मजा आएगा। फिर क्या हुआ, उन्होंने आइटम ले लिया, हमने पूछा ऐसे नहीं लेती दुनिया, पूछना पड़ता है, एक दे कि दो दे, छोटा दे कि बड़ा दे, ऐसे पूछना पड़ता है। और वो पूछने में हमारी नानी दादी दोनों बीमार पड़ जाते, हमको ऐसे लाभ लाभ करना तो पसंद है। उसके बाद ऑर्डर की बात करने में कतल हो जाता है। हमने पूछा एक दे कि दो दे, सबने बोला एक ही, पर दिया तो सही कुछ। साथ में एक बंदे ने आइसक्रीम खिलाई, एक बंदे ने हलवा खिलाया। मैंने टैक्सी में बैठ के मम्मी को बोला बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस बहुत अच्छा है, लोग हमको हलवा आइसक्रीम खिला रहे का मतलब हमने उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू एड करी है। प्रोडक्ट की मोदी के प्रोडक्ट की बात करने से हाथ ऐसे नहीं होता है, हाथ ऐसे होता है। करेंगे चेक नहीं हुआ, चेक बढ़ाई नहीं, इससे जाते प्रोडक्ट की बात करते, इससे जाते प्रोडक्ट की बात करते। जगदीश स्टोर गए पर्दे खरीदने, उन दिनों 11,000 रुपए के पर्दे खरीद के लाए 26 साल पहले। और मेरे ससुर जी कहने लगे इनसे बात करो ग्लास क्लीनर की, तो पापा क्या बात कर रहे हो, 11,000 के पर्दे खरीदे, 56 रुपए के आइटम की बात करूं। कहने लगे बात 56 रुपए के आइटम की नहीं है, बात तुम्हारी 56 करोड़ की गाड़ी की है, जाओ जाके बात करो। जी हम सबके अपलाइन के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए। क्या हुआ, बात करी, तब से लेके आज तक जगदीश स्टोर हर महीने एक पेटी खरीदता है, हर महीने एक पेटी, तो मेरे तो 5,000 रुपए का काम हो गया। धीमन कपाड़िया जी का फोन आया बंबई से, उसने कहा मैं मेरा तो 5,000 रुपए का काम ही नहीं हो रहा। उनका अच्छा ठीक है मैं बंबई आती हूँ, मिलूंगी, लिंकिंग रोड पर मिलना, अपने 4-5 लोग ले आओ और है ना मेरे को लिंकिंग रोड पर मिलो। कह रहे हमारी सारी लिस्ट खत्म हो गई है, हमने सब जान पहचान वालों से बात कर लिया, हमारा 5,000 रुपए का काम नहीं हो रहा। ठीक है मिलो मुझसे लिंकिंग रोड।
अच्छे लोग लेके आ गए, मेरे पास स्टेरी क्लीन लेकर के आना, हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर लेकर के आना, डेमो की तैयारी करके आना, ठीक है। मैं आपके 5,000 रुपए का इंतजाम करवा रही हूँ सबसे पहले, जिससे वो एक टेंशन तो खत्म हो जाए। मैंने कहा चलो, सामने फर्नीचर की दुकान है, उस पर चढ़ गए। उसे एक अंकल जी बैठे थे, तब तो वो अंकल जी थे, हम इतने बुढ़े नहीं थे, तब हमें कोई आंटी नहीं बोलता था, अब सब आंटी बोलते हैं, तब हम अंकल जी आंटी जी बोला करते थे। मैंने कहा नमस्कार अंकल जी, आपका 2 मिनट का टाइम लू। नमस्कार जी, मेरा फेवरेट वर्ड है लाइफ में, लोगों का क्या होता है, आई लव यू, मेरा है नमस्कार जी, क्योंकि आई लव यू बोलोगे तो एक ही पटेगी, नमस्कार जी में सब पढ़ जाते हैं। नमस्कार जी, बोला नमस्कार जी, आपका 2 मिनट का टाइम लू। हाँ जी, देखो अंकल, आपकी दुकान में इतना सारा बढ़िया फर्नीचर है, इतना फुटफॉल है, इतने लोग दिन भर आते जाते रहते हैं, फ्लोर बाकी सब चमक रहा है, फ्लोर गंदा है आपका। ये भी एक्साइटेड है ना, अब इतना जादू तो हमें है। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार जी, मैं इतना जादू तो अंकल जी को मैंने कहा ये हैवी ड्यूटी फ्लोर क्लीनर है आपकी दुकान के लिए बिल्कुल ठीक है। कहने लगे इसकी खुशबू कैसी है, सुनो ध्यान से, इसकी खुशबू कैसी है। मैंने कहा इसमें कोई खुशबू नहीं है, ये ऑर्डरलेस है। कहते एक पेटी दे दो। तब से लेके आज तक धीमंत जी को एक पेटी हैवी ड्यूटी वहां से ऑर्डर आता है, 5,000 रुपए का काम होता है। और मेरे को कैसे पता था कि उसमें खुशबू नहीं है, क्योंकि मैंने काम लेके देखा था। जो व्यक्ति मोदी केयर का प्रोडक्ट काम में लेता है उसका 5,000 रुपए का इंतजाम हो जाता है, जो काम नहीं लेता है उसका 5,000 रुपए का इंतजाम नहीं होता है। आर यू विथ मी, मेरे साथ हो? yes. सारी दुनिया को प्रोटीन चाहिए, सारी दुनिया को मसल्स बनानी है, यस और नो? yes. कितने लोगों को मैं जानती हूँ सुबह सुबह उठते स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक चम्मच, मोदी केयर का प्लांट प्रोटीन एक चम्मच, एक गिलास पानी में वजन कम करना हो तो, एक गिलास दूध में वजन बढ़ाना हो तो घोट के पी लेते, फिर चाहे जिम करते हैं, स्विमिंग करते हैं, वॉक करते हैं, बड़ी मसल शसल बनी हुई है। सबको चाहिए, हर बच्चे को स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट चाहिए, हर किसी को मल्टी विटामिन चाहिए, हर किसी को सुबह पेट साफ हो चाहिए, हर किसी को सुंदर बाल चाहिए, हर किसी को अच्छी स्किन चाहिए, और हर किसी को नामा चाहिए, नामा रोकड़ा, यस और नो? यस। और ये सब देते हैं मोदी केयर के प्रोडक्ट, मोदी केयर का प्रोडक्ट। अभी हमारे अक्षय दत्ता जी की गाड़ी की डिलीवरी हुई, पहली गाड़ी उन्होंने खरीदी थी जैगुआर, दूसरी खरीदी मर्सिडीज बेंज, तो उसको ने डब्बे में रखवाया था, समीर जी को बुलाया था रिबन काटने के लिए, एक डब्बे में रखाया था मर्सिडीज को। मैंने बोला अक्षी ये डब्बा मेरे को दिख ही नहीं रहा है, मेरे को तो डेमो किट दिख रहा है, तूने डेमो किट बनाया तो ये डब्बा तेरे जीवन में आया। तभी तो हम कहते हैं जिसका होगा डेमो किट बना के देखो, बना तो सब लेते हैं, कितने लोगों के पास साफ सुथरा एक अच्छा सा डेमोकेट है, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कितने लोगों के पास गंदा सा डेमोकेट है, आपका बिजनेस चलेगा। डेमोकेट साफ सुथरा रखने वालों का बिजनेस नहीं चलता, जो रोज डेमोकेट गंदा करते हैं, रोज साफ सुथरा करके अगले दिन फिर लेके जाते हैं, बिजनेस उनका चलता है। सो आर यू रेडी, तैयार हो? मेरी तो प्रोडक्ट के नाम पे नानी दादी दोनों बीमार हो जा, फिर पता है मैं कैसे जागी। मेरे को पता चला किसी का 11,000 रुपए का चेक आ रहा है, किसी का 77,000 रुपए का चेक आ रहा है, 27 लोग मोदी केयर की विदेश यात्रा पे जा रहे हैं। अरे मैंने कहा वो भी हमारे जैसे सांस लेते हैं, वो भी हमारे जैसे इंसान है, हम क्या कर रहे हैं। फिर पता है हमको समझाया गया कि भैया या तो जिंदगी में मेहनत करते नजर आने चाहिए या मजे करते नजर आने चाहिए। आप बैठो, आप घर पे बैठ कर क्या मजे कर रहे हो? हमने कहा नहीं। क्या मेहनत कर रहे हो? हमने कहा नहीं। तो कह रहे फिर क्या घास काट रहे हो? या तो मजे करो, या तो भैया जाओ जाके फूलों की सेल्स पर
हॉस्पिटल में एक दिन जाके डेमो दिखा रहे हैं, खुश नहीं हो रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे सबसे पहली बात तो ये बड़ा सोच रहे हैं। आप छोटा सोच रही हो, आप जाके दो चार प्रोडक्ट दिखा दिए, डेमो दिखा दिया, किसी एक बंदे से कभी मिली है हफ्ते में, आप उस पर खुश हो रहे हो। ये लोग सपनों की लिस्ट बना रहे हैं, आपका क्या सपना है? मैंने कहा पहले चेक तो आने दो, फिर सपना बुनेंगे कि पहले अंडा की पहली मुर्गी, कि पहले चेक आने दो तब सपना बुनेंगे। सपना बुनोगे नहीं तो चेक आएगा नहीं। बड़ा सोचो, बड़ा सोचो। मुझे सिखाया गया फेंकने की कला नहीं सीखोगे तो बटोरने की कला नहीं आएगी, तो फिर लंबी लंबी फेंको। तो मैंने बस लंबी लंबी फेंकनी वहां से शुरू करी। जब हम मेहनत करते हैं ना वो आमदनी लगती है। जब हम बड़ा बड़ा सोच के, बड़ा बड़ा बोल के, छोटी छोटी मेहनत करते हैं वो आमदनी लगती है, उससे रिजल्ट आते हैं। तो मैंने फिर लंबी लंबी फेंकनी शुरू करी। मुझे मर्सिडीज की स्पेलिंग आज भी लिखनी नहीं आती है, आज भी नहीं लिख सकती मैं, तब तो बोलनी भी नहीं आती थी। मैंने किसी से पूछा, अच्छा किसी बड़ी कार का नाम बताओ, तो किसी ने बोला मर्सिडीज। मैंने कहा क्या मर्सिडीज? मैंने कहा क्या मर्सिडीज, ठीक है उसको भी मर्सिडीज चाहिए, बस उसे निकल गया। फिर उसको सीरियसली ले लिया, चाहिए तो चाहिए। फिर एक के मोदी जी की फोटो छपी, उनकी रोल्स रॉयस के साथ एक फोटो देखी मैंने, मोदी के प्रोफाइल पे रोल्स रॉयस की फोटो आई, बड़े ऐसे रॉक में खड़े थे। मैंने अरुण जी को बोला मुझे भी ऐसी फोटो खिंचवानी है, उसको भी रोल्स रॉयस चाहिए। कहने लगे चल तेरे को शोरूम लेके चलता हूँ। उन्होंने अपना शादी वाला कोट पहना, मैंने अच्छी सी साड़ी पहनी और हम मर्सिडीज और रोल्स रॉयस के शोरूम में गए। दूर स्कूटर खड़ा किया, स्कूटर में जाएंगे तो टेस्ट ड्राइव नहीं मिलेगी। दूर स्कूटर खड़ा किया, जाकर की बात करी, ये कितने की है, इतने की, ये कितने की, इतने की, ये छोटी वाली कितने की है? सोचा छोटी है सस्ती होगी, और भी ज्यादा महंगी पता चला, यहाँ पे तो स्मॉल इज ब्यूटीफुल, स्मॉल इज कॉस्टली। हमने कहा नहीं नहीं सबसे सस्ती कौन सी है? कीजिए 32 लाख वाली सबसे सस्ती है। चलो जी पहला गोल सेट हो गया। हमने बोला उनको टेस्ट ड्राइव लेनी है, बड़ी 1.5 घंटे की वेटिंग कराई उन्होंने। टेस्ट ड्राइव लेके आए, खुशबू दिमाग में भर ली हमने अपनी कि इस खुशबू को अपने जीवन में लाके रहना है। आप ना जाके टेस्ट ड्राइव करो, हर ब्रांड की गाड़ी की अपनी एक अलग खुशबू होती है। आप जब गाड़ी में जाके बैठोगे ना,